पहले पाठ के तीन श्लोक हमने पहले कर लिए थे, आज हम चौथा श्लोक देखेंगे। चौथा श्लोक है सद्भिरेवासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च न असद्भिः किञ्चिदाचरेत। क्या कह रहे हैं? सज्जन व्यक्ति, सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ, सद्भिरेव सह आसीत यानी सद्भि यानी सज्जन लोग, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सद्भि यानी सज्जन लोग, कुर्वित यानी करनी चाहिए, संगति यानी संगति, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं च, सज्जन लोगों के साथ ही, अच्छे लोग जो है उनके साथ ही मित्रता या झगड़ा करना चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, असद्भि यानी जो सज्जन नहीं है, जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ किंचित आचरेत यानी कैसा भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, ना लड़ाई ना झगड़ा ना मित्रता ना वैर, जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक है धन्य धन्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवे। क्या कह रहे हैं? धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग करने में, उसका उपयोग करने में, और विद्या का संग्रह करने में, विद्या या संग्रहेशु यानी विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान को इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे आहार यानी भोजन करने में, आहार में व्यवहारे यानी आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा है, लज्ज त्यक्त यानी लज्जा कोई भी शर्म कोई भी संकोच त्याग देने वाला सुखी भवे, सुखी हो जाता है, यानी इन सारी चीज़ों में हमें किसी भी प्रकार की शंका या संकोच नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। क्या कह रहे हैं? क्षमा की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में लोके यानी इस संसार में क्षमा जो है वशीकरण मंत्र है, वशीकृति यानी सबको वश में कर देने वाली है, क्षमा जो है एक वशीकरण मंत्र के रूप में है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा कर देने से क्या नहीं मिल जाता है, यानी सब कुछ मिल जाता है। क्षमाशील होना एक बहुत बड़ा गुण होता है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति खड्ग यानी शांति रूपी खड्ग यानी तलवार, करे यानी हाथ में, यस्य यानी जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जन है, उस व्यक्ति का दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्या बिगाड़ सकता है? किम करिष्यति यानी क्या कर सकता है, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, दुष्ट व्यक्ति उनका क्या बिगाड़ सकता है, यानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये अपना पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे, शब्दार्थ करने हैं कॉपी में, पहले हिंदी अर्थ, उसके बाद शब्दार्थ और उसके बाद प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है कह और ठ दो दे रखे हैं खंड, इनको हमें सही सही जोड़ना है। मैंने सही जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, आप ध्यान से अपनी कॉपी में सही सही लिखेंगे। पहला है धन धान्य प्रयोगेशु, इसके आगे है विद्याया संग्रहेशु च, विस्मयो में ही कर्तव्य बहु रत्ना वसुंधरा, सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भिः विवादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचित् आचरेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। यानी जो सही है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप कॉपी में सही सही करेंगे। अगला प्रश्न है हमें एक शब्द में उत्तर देना है, एक पदे न उत्तर तय यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पृथ्वीव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है, तो इसका उत्तर है त्रीणी यानी तीन। अगला है
मूढ़े पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसको रत्न बता लेते हैं, बता देते हैं, तो खय का उत्तर है पाषाण खंडेशु। गय है पृथ्वी के धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा किसे धारण करती है, पृथ्वी ने किसको धारण कर रखा है, उसका उत्तर है सत्येन। अगला है घय, कई संगति कुर्वित है, किसके साथ संगति करनी चाहिए, इसका उत्तर है सत्ये। अगला है लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण क्या है, वशीकरण मंत्र रूपी क्या है, उसका उत्तर है क्षमा। अगला प्रश्न है, हमें प्रश्न निर्माण करना है इन प्रश्नों में, और इसमें सबसे पहला कह है सत्येन वाति वायुः, तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, केन, और इसके बाद प्रश्नवाचक लगा देंगे। अगला है सद्वी सह आसीत, किसके साथ बैठना चाहिए, किनके साथ रहना चाहिए, तो उसका लिखना है केन, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना, कौन पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है, कौन है बहुत से रत्नों वाली पृथ्वी, कौन का करके और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। विद्या अगला है विद्या संग्रहेशु त्यक्त लज्जय सुखी भवेत, विद्या की संग्रह करने में जो लज्जा त्याग देता है वो सुखी रहता है, तो किसका संग्रह करने में कस्या, और फिर प्रश्नवाचक हर बार लगाना है हमें, क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। अगला है सभी मैत्रीन पूर्वित है, सज्जन लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, इसका प्रश्न क्या बनता है, सज्जन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो हमें हृदय का उत्तर लिखना है कि जिन जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है उसे उसी का हमें प्रश्नवाचक बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते, यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में ही लिखना है, एक शब्द में, दो शब्द में, या फिर एक वाक्य में भी। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो हमारे श्लोक में है दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय, ये जो चार चीजें हैं इनके अंदर हमें विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो कै का उत्तर है ये है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, यानी पृथ्वी के ऊपर तीन रत्न कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी पर तीन रत्न है जल अन्न और सुभाषित, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे जलम अन्नम सुभाषितम। अगला प्रश्न है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, लज्जा त्याग देने वाला कहाँ सुखी रहता है, तो इसका हमें थोड़ा तीन चार जो ये बातें हैं वो लिख देनी है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्या या संग्रहेशु आहारे व्यवहारे च, इन चार चीजों में लज्जा को त्याग देना चाहिए, यानी लज्जा को त्याग देने वाला सुखी रहता है। अगला प्रश्न है इससे इस मंजूषा को इस डिब्बे को देख करके और फिर लिंग छांटने हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, ये जो शब्द इन्होंने दे रखे हैं इनमें से हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग बताना है। पहला शब्द है रसनानी, तो रसनानी है नपुंसकलिंग, आप लिखते जाओ चाहे कॉपी में चाहे किताब में, ऐसे भी आप निशान लगाते जाओ, पहला शब्द है रसनानी जो नपुंसकलिंग में लिखेंगे, दूसरा शब्द है वसुंधरा जो स्त्रीलिंग में लिखेंगे, तीसरा शब्द है सत्येन जो पुल्लिंग में लिखेंगे, अगला शब्द है सुखी जो पुल्लिंग में लिखेंगे, अगला शब्द है अन्नम जो नपुंसकलिंग में लिखेंगे, अगला शब्द है वह्नि यानी अग्नि, इसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे, अगला शब्द है रवि यानी सूर्य, जिसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे, अगला शब्द है पृथ्वी, इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे, अगला शब्द है संगति, संगति को भी हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे, ऐसे हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द छांटने हैं, जो ये डिब्बा दे रखा है, जो ये शब्द दे रखे हैं इनमें से हम छांटने हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है नीचे लिखे जो शब्द हैं इनके अंदर हमें धातुएं बतानी है, यानी वो इन शब्दों में कौन सी धातु है, और पहला शब्द है करोति, इस करोति शब्द में धातु है क्री, क्री धातु हम जब करेंगे तो हम याद करेंगे तो हमें ध्यान रहेगी। अगला शब्द है पश्य, पश्य में है दृश धातु, अगला शब्द है भवेत, भवेत में है भू धातु, अगला शब्द है तिष्ठति,
तिष्ठति में है स्थाधन। ये पूरा काम पूरा पाठ अपना हो गया है पहला, इसको सारे भैया बहन अपनी कॉपी में कर लेंगे, हिंदी अनुवाद शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर सारा काम करके और फिर मुझे दिखा देंगे।